हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सबका आज के हमारे लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके एस एस बी जूनियर स्टैंड एग्ज़ाम का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, दैट इज़ आर्टिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखेंगे, सबसे पहली बात हमारे पास आ जाता है आर्टिकल की डेफिनेशन। तो आर्टिकल क्या होता है? जो कि नाउन के लिए यूज़ होता है, नाउन से पहले होता है और इसमें कोई भी वॉवल साउंड नहीं होती है। जैसे ही इज़ आ एग्जाम्पल। अब आ जो है दैट इज़ आर्टिकल, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन है इसका, इन द अबव एग्जाम्पल आ आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन बॉय। अब यहाँ पे नाउन कौन सा है? बॉय। और बॉय के आगे कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है? आ। एग्जाम्पल एक और, ही इज़ आ गुड बॉय। अब यहाँ पे गुड क्या है? गुड बताता है क्वालिटी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, इन द अबव एग्जाम्पल आर्टिकल इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव। मतलब अब यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव आपका क्या है? गुड। और नाउन क्या है? बॉय। अब नीचे एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अ वेरी गुड बॉय, देखो गुड एडजेक्टिव भी है, बॉय नाउन भी है। तो वेरी क्या हुआ? वेरी इज़ एडवर्ब। एडवर्ब का क्या मीनिंग होता है? कि जो आपके एडजेक्टिव को ओवर इम्प्रूव करके लिखे, ठीक है जी। देखेंगे अब हमारे पास आर्टिकल कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है डेफिनेट। डेफिनेट में आता है द, और इनडेफिनेट में आता है ए एंड एन। तो डेफिनेट आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब सबसे पहले है कहाँ से यूज़ होता है, द कहाँ पे होता है और दी कहाँ पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे लिखा है द इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग। जब हम किसी एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करेंगे तब हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखी गई है द बॉय हेयर, व्हेन द वॉवल वॉवल्स कम आफ्टर द देन वी से दी। अब देखो क्या बोल, हेयर व्हेन द वॉवल कम आफ्टर द, मतलब अगर द के बाद वावल आ रहा है, मतलब टी एच ई के बाद अगर वावल आ रहा है तब हम लोग कहेंगे दी बॉय, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज़ नो वावल आफ्टर द, द के बाद अगर कोई भी वावल नहीं है तब हम लोग क्या कहेंगे? टी एच ई द बॉय, ठीक है जी। दिस इज़ द हाउस वेयर वी लिव। एग्जांपल, एंड आई एम हैप्पी टू सी द पर्सन हु सेव्ड माय लाइफ, ठीक है जी। अब आपको पता लगा दी और दा का क्या है। नेक्स्ट है डेफिनेट ए और एन एक्सप्लेनेशन। यूज ऑफ ए आर्टिकल व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स देन वी से ए आर्टिकल। स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात नहीं होगी तब हम ए का यूज करेंगे, अगर स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात होगी तो दा का इस्तेमाल होगा। दैट इज दिस इज अ हाउस, समवन कॉल्स अ पुलिसमैन। यूज ऑफ एन, अब यहाँ पे है इफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द वर्ड इज वॉवल साउंड ए ई ऊ ए ऊ, ओनली एयर कम्स फ्रॉम योर माउथ। मतलब कहने का ये है कि जब आपके मुंह से सिर्फ हवा ऐसे निकले, आपकी टंग जो है वो टच ना हो, ओनली एयर कम्स फ्रॉम योर माउथ, नो लिप्स टच, नो टंग टच। एग्जाम्पल, एन आइडिया, एन एम एल ए, एन आई ए एस, एन ऑनेस्ट, ठीक है, एन एस्ट्रे, ठीक है। Use of A, if the vowel sound is not produced by the word ma, pa, da, la, etc. तो if your lips touch with each other, अगर आपके lips touch होते हैं एक दूसरे के साथ तो उस टाइम पे आप आ का इस्तेमाल करते हो। जैसे आ यंग, आ यूनिक, आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोप, ठीक है। अब वर्कशीट क्या है? आपने ये वर्कशीट देखनी है और इस वर्कशीट के दौरान ही आपने जो है सारा ए एन दा की इसमें फिल करनी है। जैसे ही इज़ यूरोपियन। अब यूरोपियन कैसे आएगा? यूरोपियन में दा या एन कैसे लगेगा? जैसे मैंने आपको बताया था वावल साउंड है, वावल साउंड का क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसको आप नज़र में रखेंगे और ऐसी वर्कशीट को प्रैक्टिस करेंगे। एक और वर्कशीट देख लीजिए और ये अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।